नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उत्तम है। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इनक्रेडिबल आर इंडिया में। आज हम फल्गु नदी के किनारे पे हैं। आज हम जानेंगे इस नदी के बारे में। इस नदी के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी विचित्र नदी है जिसमें बरसात के मौसम में ही आपको पानी दिखेगी और बाकी टाइम ये नदी सूखी दिखाई देती है। आप जब इस नदी में गड्ढा कीजिएगा तो आपको पानी दिखाई देगा, मतलब गड्ढा करने पे इस नदी के नीचे से पानी निकलता है। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है? अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको गड्ढा खोदकर दिखाऊंगा और पानी भी निकालूंगा। फल्गु नदी बिहार की एक प्रमुख नदी है जो निरंजना नदी के नाम से भी जानी जाती है। इस नदी का वर्णन वायु पुराण में भगवान विष्णु के छवि दर्शन का उल्लेख किया गया है। यह नदी हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में पवित्र माना जाता है। इस नदी से भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध और माता सीता से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि माता सीता ने इस नदी को श्राप दिया था, इस वजह से ये नदी सूखी दिखाई देती है। विष्णुपद मंदिर भी इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। मैंने पितरपक्ष पे एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने विष्णुपद मंदिर का वर्णन किया है। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने गया और गया जंक्शन पे भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। इस नदी में पिंडदान करने के लिए पितरपक्ष में देश विदेश से लोग आते हैं। बिहार के एक प्रमुख पर्व छठ पूजा में लोग इस नदी में सूर्य भगवान तथा छठी मैया का पूजा करते हैं और दूध, अन्न आदि अर्पण करते हैं। लोग इस नदी के किनारे मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी करते हैं। बिहार में फल्गु नदी की लंबाई लगभग 235 किलोमीटर है। बिहार विश्व का एकमात्र ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां प्राकृतिक ऊर्जा बहुस्रोत सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ये जो मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। पुराने समय में, अभी का तो पता नहीं, पर पुराने समय में लोग यहाँ आते थे, ये सब चुन कर लेकर जाते थे और अपने खेतों में डालते थे। ये उस टाइप का मिट्टी होता है जो पानी में बह कर आता है और सूख जाता है, तो पानी में बह कर आता है तो बहुत उपजाऊ ये होता है। कहा तो यही जाता है।
आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।